इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम चेन्नई सुपर किंग इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। दरअसल सीएसके ने अपने शुरुआती 3 मैचों में से 2 मैच गंवा दिए हैं। पिछले 2 मैच में टीम को अपने धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना की कमी खलने लगी थी। दरअसल 13वें सीजन में हिस्सा नहीं लेने वाले सुरेश रैना का नाम अब सीएसके की वेबसाइट से हटा दिया गया है। दरअसल सुरेश रैना कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए दुबई से वापस इंडिया लौट आए थे। सुरेश रैना ने कहा था कि वो अपने परिवार के साथ कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसके साथ ही रैना की टीम के कप्तान धोनी और मैनेजमेंट के साथ विवाद की खबरें भी सामने आई थी। वहीं आपको बता दें, सुरेश रैना ने हालांकि बाद में ये साफ कर दिया था कि सीजन में दोबारा वो खेल सकते हैं, लेकिन अब सीएसके ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है। सीएसके ने अपने खिलाड़ियों की नई लिस्ट वेबसाइट पर डाली है और उसमें से सुरेश रैना का नाम और तस्वीर दोनों हटा दी गई है। वहीं सीएसके के इस फैसले से साफ हो गया है कि सुरेश रैना अब किसी भी कीमत पर 13वें सीजन में हिस्सा लेते हुए नहीं दिखाई देंगे। खैर, सूत्रों का ये भी कहना है कि सुरेश रैना अब सीएसके की तरफ से कभी खेलते हुए भी नहीं दिखेंगे। दरअसल सुरेश रैना को लेकर सीएसके के सीईओ ने भी साफ किया है कि उनकी टीम में वापसी अब नहीं होने वाली। इसके अलावा हरभजन सिंह का नाम भी सीएसके के खिलाड़ियों की लिस्ट से हटा दिया गया है और शायद हरभजन सिंह भी हमें अगले सीजन में सीएसके की तरफ से खेलते हुए ना दिखे। वहीं हरभजन सिंह ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए 13वें सीजन में खेलने से इनकार कर दिया था। वहीं आपको बता दें, लगातार 2 हार के बाद हालांकि टीम के कोच फ्लेमिंग ने सुरेश रैना की कमी खलने की बात को जरूर स्वीकार किया था, क्योंकि फ्लेमिंग का कहना था कि रैना के रहने से टीम का बैलेंस काफी मजबूत रहता है और वो अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। खैर, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगले सीजन में सुरेश रैना आखिर कौन सी टीम से खेलते हुए नजर आते हैं। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।